आज का हमारा टॉपिक है विश्व नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु हेट्रोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा इसके नाम से ही विदित हो रहा है, विश्व नाभिकीय, जिनका नाभिक अलग हो, विश्व माने अलग अलग, ऐसे दो परमाणु जिनके नाभिक अलग अलग हो, अर्थात दो अलग अलग परमाणु से मिलकर के जो द्विपरमाणु बना होता है वो विश्व नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाता है। जैसे पहले हम समनाभिकीय द्विपरमाणु का अध्ययन कर रहे थे इससे पहले, तो उसमें जो नाभिक थे दोनों के सेम थे, इसमें अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे अणु जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं विश्व नाभिकीय द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। जो हमारे सिलेबस में ये दे रखा है वो है CO और NO। जैसे CO के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, NO के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये दोनों में ही अलग अलग परमाणु, एक में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलग परमाणु, ऑक्सीजन अलग परमाणु है। इनमें परमाणु के नाभिकीय आवेश अलग अलग होने के कारण इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी अलग अलग होता है। लेकिन नाभिक इनमें अलग अलग परमाणु हैं तो नाभिकीय आवेश भी अलग होगा, तो इनका इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी अधिक होगा, अलग अलग होगा सॉरी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होगी। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम CO जो मॉलिक्यूल है उसका अध्ययन करते हैं आज हम। CO जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उसमें हम देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, यानी कि इसके पास में आउटर ऑर्बिटल को जब देखते हैं तो 1s आंतरिक कक्षक है, तो 2s के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के पास में दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो px, py, pz इसका रिक्त कक्षक है। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, यानी कि इसके आउटर ऑर्बिटल में 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से दो होते हैं 2px के पास में, एक 2py के पास में, एक 2pz के पास में। इस प्रकार दोनों के संयुक्ता कोष में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई संयुक्ता कोष होता है जो बाह्य कक्षक होता है, जैसे कार्बन के पास में चार हैं और इसके पास में ऑक्सीजन के पास में छः हैं, तो चार छः टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके संयुक्ता कोष में। तो CO एवं N2 अणु सम इलेक्ट्रॉनीय अणु होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अणु हो गया, क्योंकि N2 होता है उसके पास में भी सात होते हैं, इसमें सात में दो अंतरिम चले जाते हैं तो पांच होते हैं, पांच से पांच 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके भी जो संयुक्ता कोष में। तो CO N2 एक तरह का आइसो इलेक्ट्रॉनिक अणु है। इस प्रकार दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होना चाहिए और वास्तव में समान भी है, परंतु इनमें अंतर जो है वो है दोनों ऊर्जा स्तर आरेख में थोड़ा सा अंतर होता है। ऑक्सीजन परमाणु का नाभिक आवेश अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण अधिक होगा, जिससे ऊर्जा अपेक्षाकृत कम हो जाती है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन के पास में 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसके नाभिक का आवेश ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। इस कारण से जो बंधित इलेक्ट्रॉन इसके और आकर्षित करेंगे वो ऑक्सीजन ज़्यादा आकर्षित करेगा बजाय कि कार्बन के। यहाँ हम CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं हम। इसमें CO में उनके अणु का ऊर्जा आरेख है, ऊर्जा आरेख में आंतरिक कक्षक जो 1s है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे कैसे हैं, पहले कार्बन में देखते हैं, कार्बन 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p में हम देखते हैं 2px, 2py, 2pz, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है px, py, pz खाली है। इस प्रकार ऑक्सीजन को देखते हैं हम, जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर चार इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2px के पास में दो हैं, 2py के पास में एक है, 2pz के पास में एक है। अब जब ये MO डायग्राम बनाते हैं तो 1s तो आंतरिक कक्ष में ले जाता है और 2s 2s से मिलकर के जो कक्षक बनाता है तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग होता है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाते हैं, दो एंटी बॉन्डिंग में आ जाते हैं। इसके बाद में 2pz को हम देखते हैं तो 2pz की पोजिशन सॉरी 2p कक्षकों में दोनों में अतिव्यापन होता है, तो 2px, 2py, 2pz तीन कक्षक कार्बन के और तीन कक्षक हैं ऑक्सीजन के, आपस में
अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो इनमें निर्माण होता है सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग, ये समान एनर्जी के होते हैं। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग में पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा इससे हायर एनर्जी होता है सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग सी ओ एम होगा देखते हैं। अब इनके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कार्बन के टू पी के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास में चार इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार दो छः इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। छः इलेक्ट्रॉन हो गए तो सबसे लोअर एनर्जी हम देखते हैं सिग्मा टू पी जेड सबसे लोअर का है, उससे हायर एनर्जी का पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है, उससे हायर का सिग्मा टू एस बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, फिर उससे हायर है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, और उससे हायर एनर्जी का है सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सिग्मा टू पी जेड में, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई जो कि समान हो जाएंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद आ जाएंगे सिग्मा टू एस में कि इसमें आंशिक अतिव्यापन होता है कार्बन के कारण से। और ये हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के थोड़े हायर लेवल में है, सॉरी ऑक्सीजन थोड़ी लोअर लेवल में है और कार्बन थोड़े हायर हैं, तो ऑक्सीजन लेवल में तो यहाँ पर इनमें आंशिक आयनिक गुण आ जाता है क्योंकि इसमें इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता मानो या नाभिक की आकर्षण है वो अलग अलग होता है। तो इसमें इस प्रकार से सी ओ अणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम देखते हैं तो इसमें बनता है के के सेल, के के सेल का मतलब होता है वन एस, जो दोनों का ही वन एस है वो के के सेल लेता है। के के सेल सिग्मा टू एस बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, फिर है सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई में टू इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। अब सी ओ में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये होना चाहिए, डायग्राम को हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, सिग्मा टू एस बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन, सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। अणु में एक इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय होगा, इसके अंदर हम देखते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अयुग्मित, तो इस कारण से इसका प्रतिचुंबकीय गुण ये शो करेगा। जैसे यहाँ कोई भी कक्षक है सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमओ के अंदर, तो इसका चुंबकीय व्यवहार डायमैग्नेटिक होगा यानी प्रतिचुंबकीय, क्योंकि अनुचुंबकीय होने के लिए कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है एमओ के अंदर, एमओ डायग्राम में। तो अब इसमें इसकी बंध ऊर्जा 1.13 एंगस्ट्रॉम व बंध लंबाई है इसकी 1.13 एंगस्ट्रॉम व बंध ऊर्जा है 256 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य तीन बंधों में से एक सिग्मा बंध है तथा दो पाई बंध होते हैं, वह अणु की संरचना निम्न प्रकार से होगी, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड है। जब इसके बंध क्रम को हम देखते हैं तो बंध क्रम में एन बी माइनस एन ए बटा टू यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा टू, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ है इसमें और एंटी बॉन्डिंग में दो है, तो आठ माइनस दो बटे दो इजिकल टू तीन, तो बंध क्रम इसका तीन है, ये हमने ऊपर देखा। जब सी ओ अणु आयनिक होकर सी ओ आयन बनाता है तब मध्य बंध क्रम 2.5 होना चाहिए तथा बंध लंबाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि सी ओ अणु का इलेक्ट्रॉन का उच्चतम ऊर्जा वाले बंध अणु कक्षक पाई टू पी में से निकलना चाहिए। वास्तविकता में सी ओ प्लस की बंध ऊर्जा सी ओ की लंबाई से कम होती है, इसकी लंबाई होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम और सी ओ प्लस की लंबाई 1.15 एंगस्ट्रॉम। इससे स्पष्ट होता है इलेक्ट्रॉनों की बंध अणु कक्षक में से न तो निकलकर विपरीत बंधे अणु कक्षक से पृथक होता है, यह तभी संभव होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थित सिग्मा टू एस से निकले, जैसे डायग्राम दिखाया जाता है। सी ओ का इलेक्ट्रॉन विन्यास यही होता है जो भी हमने देखा था के सिग्मा टू एस
बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई में बॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, उसके जस्ट लास्ट लास्ट में सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समनाभिक अणुओं के नियमों की सहायता से विश्वनाभिक अणु का ऊर्जा स्तर एक समझाया जा सकता है। धन्यवाद।